भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज पहले ही अपने नाम कर ली है। टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है और तीसरे मैच को जीतकर दक्षिण अफ्रीका का क्लीन स्वीप करना चाहेगी। 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू हो रहे विश्व कप से पहले अंतिम T20 मैच में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों की असली परीक्षा होनी है। टीम के प्रमुख बल्लेबाज विराट कोहली और केएल राहुल को तीसरे मैच से आराम दिया जा सकता है। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा के साथ ऋषभ पंत या सूर्य कुमार यादव पारी की शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा T20 मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने इंदौर में इससे पहले 2 T20 मैच 2017 और 2020 में श्रीलंका के खिलाफ खेले हैं और दोनों में ही जीत दर्ज। BCCI अधिकारी ने बताया कि तीसरे मैच के लिए भारतीय टीम मैनेजमेंट ने अपने प्रमुख बल्लेबाज विराट और केएल राहुल को आराम दिया है। कोहली की जगह श्रेयस अय्यर को मौका दिया जा सकता है। विश्व कप के लिए भारतीय टीम 6 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना। विराट और राहुल गुरुवार को ही मुंबई में टीम के साथ जुड़ जाएंगे। टीम में कोई रिजर्व बल्लेबाज नहीं होने से शहबाज अहमद को टीम में मौका मिल सकता है। मोहम्मद सिराज या उमेश यादव में से किसी एक को गेंदबाजी में खिलाया जा सकता है। पंत को इस सीरीज में बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। कार्तिक ने दूसरे मैच में 7 गेंदें खेली। इस मैच में दोनों खिलाड़ियों को ऊपरी क्रम में खिलाया जा सकता है। अपने घर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली बार टीम इंडिया ने T20 सीरीज जीती है। 12 महीने पहले UAE में हुए T20 विश्व कप में भारतीय टीम शुरुआती दौर से बाहर हो गई थी। इस बार टीम में सुधार दिख रहा है। एशिया कप के बाद शीर्ष भारतीय बल्लेबाजों में भी सुधार हुआ। रविवार को हुए मैच में केएल राहुल ने अपना स्ट्राइक रेट सुधारा। विराट ने 140 से अधिक के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। कप्तान रोहित ने भी पहले ऑस्ट्रेलिया और अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ प्रभावी पारियां खेली। भारतीय टीम में बल्लेबाजी में सुधार हुआ है, लेकिन बुमराह की गैर मौजूदगी में लचर गेंदबाजी की समस्या बनी हुई है, विशेषकर डेथ ओवर्स। विश्व कप से पहले यदि बुमराह फिट नहीं होते तो टीम इंडिया को तेज गेंदबाजी का प्रभावी समाधान खोजने की जरूरत है। दीपक चार विश्व कप के लिए रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल हैं। उन्होंने नई गेंद से प्रभावित किया, लेकिन पारी के अंतिम ओवरों में उन्हें कुछ खास मौका नहीं मिला। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने नई और पुरानी गेंदों से असर छोड़ा है। हालांकि रविवार को 4 ओवर में 2 विकेट लेकर 62 रन खर्च कर वो सबसे महंगे रहे। चोट से उभर कर वापसी करने वाले हर्षल पटेल भी बल्लेबाजों पर अंकुश नहीं लगा पाए। लाल गेंद से विशेषज्ञ अश्विन को बीच के ओवरों में विकेट निकालने होंगे। बुमराह की गैर में होलकर स्टेडियम में मोहम्मद सिराज को मौका दिए जाने की उम्मीद है। वही भारतीय गेंदबाजों के जैसा हाल मेहमान टीम दक्षिण अफ्रीका का भी है। उनके गेंदबाजों ने गुवाहाटी में उमस भरे मौसम में खूब रन लुटाए। कई फुल टॉस गेंदें फेंकी जिन पर भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर रन बरसाए। मेहमान टीम अपनी गेंदबाजी में सुधार करना चाहेगी। वहीं भारत की आज अगर संभावित प्लेइंग 11 को देखा जाए तो रोहित शर्मा ऋषभ पंत पारी की शुरुआत कर सकते हैं। 3 नंबर पर श्रेयस अय्यर, 4 नंबर सूर्य कुमार यादव, 5 नंबर अक्षर पटेल, 6 नंबर दिनेश कार्तिक, 7 नंबर शहबाज अहमद, 8 नंबर हर्षल पटेल, 9 नंबर दीपक चार, 10 नंबर अश्विन और 11 नंबर पर हर्षदीप सिंह खेलते नजर आ सकते हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।